हेलो दोस्तों, आई होप ऑल आर वेल। सो आज 25 सितंबर हो गया, ठीक है जी। आज 25 सितंबर हो गया, ठीक है। मैं तो डिवास्ट एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आया, एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट। मतलब एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस वास्ते पोस्टां कढ़ियां गई हैं, ठीक है जी। जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हैगा, 7547 पोस्टां, ठीक है जी, 2023 वास्ते, ठीक है। सो कोशिश करो भी ये पोस्टां भर के पेपर क्लियर करने की। कुछ भी नहीं गया इस विच, सेम ही चीज़ा, उही चीज़ा जो आप पहला करते रहे हैं। एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2023 ऑनलाइन फॉर्म पोस्ट आई सी, पोस्टा जड़ी आईया सियाँ, इन्होंने पोस्ट पाई सी 1/9/2023 तो 7547 पोस्टा, ठीक है। एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ही इन्हों का करना, या देख लो दिल्ली पोस्ट, दिल्ली पुलिस वास्ते है, ठीक है जी। पोस्टा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपन नौकरी चाहिए है। कोई बेरोजगारी बहुत आ, अपन नौकरियां मतलब है, ठीक है जी। अपन नौकरी चाहिए है, कितने मिल जाए, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हुण आपां गल करते हैं जी एलीजिबिलिटी ते एप्लीकेशन दे बारे, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आ जिहड़ी यूआर वास्ते आ, यूआर वास्ते किन्नी आ, 100 रुपए, यूआर वास्ते 100 रुपए। बाकी एससी एसटी वास्ते कोई फीस नहीं। एंड एससी एसटी ते वूमेन वास्ते, वूमेन एससी एसटी, एसटी ते पंजाब च है ही नहीं गे, एससी है सिर्फ, ते ओबीसी आ ते जां फिर दूजी अदर कास्ट है। ओबीसी यूआर च काउंट होणगे, ते एस सी ते वूमन वास्ते कोई पंजाब विच मतलब नहीं लगेगा, क्योंकि यूटी है, यूटी दे विच सेंटर गौरमेंट का काम होंदा, सेंटर गौरमेंट का मतलब यूटी है ना, दिल्ली, दिल्ली दे विच मतलब दिल्ली का फार्म भरांगे तो आपां नूं की है, एस सी नूं एस सी ही काउंट किया जाऊगा। ये नहीं भी आपां जिवें अदर कास्ट च आपां भरदे आ फार्म ते आपां नूं मतलब एस सी नूं भी यूआर च काउंट किया जाता, ये गल नहीं होगी, क्योंकि यूटी दिल्ली है, इस करके दिल्ली अपनी राजधानी है, इस करके उस दे विच एस सी नूं एस सी ही काउंट किया जाऊगा, ठीक है। ओके सो वूमेन ते एस सी का कोई भी मतलब फीस नहीं लगेगी, ठीक है, विदाउट एनी। मैं खुद एक कैंडीडेट का फार्म भरिया, उहदे विच की आ कोई फीस नहीं लगी, नो फीस, सीधा मतलब हो गया सीधा। ओके सो गल करते हैं आपां हुण अगे। ऑनलाइन तुसीं पेमेंट भर सकते, कोई चलान करन दी लोड़ नहीं गी, तुसीं ऑनलाइन मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, ईवन असीं तां कल तो यूपीआई तो एक दो फार्म भरे, यूपीआई तो भरे, असीं तां यूपीआई तो पेटीएम तो, ठीक है जी, पेटीएम तो भी भरे जाते हैं, ठीक है जी, नैट बैंकिंग तो भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सो आपां गल करते हैं अगे नैक्सट। नैक्सट आप गल करते हैं स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन की 1 सितंबर तो फार्म शुरू हो गए सी दोस्तों, 25 तरीक हो गई अज, ठीक है जी। आ देख लो 25 तरीक हो गई है, 25 तरीक हो गई है, तो अपनी 30 तरीक लास्ट है रात के 11 बजे तक पेपर, ठीक है जी। तो लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट भी 30 तक ही है, रात को 11 बजे तक, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हैगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं बैंक जाके कोई ड्राफ्ट कटाना या कुछ भी करना, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिहड़ा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, वो 2 दिसंबर हो जूगा 2023 दे विच विच, ठीक है जी। सो बहुत ही वधिया ओपरचुनिटी है, सिलेबस तुहानू दसदा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो जी, चैनल सबसक्राइब जरूर ते जरूर करना, क्योंकि चैनल नूं तुसीं सबसक्राइब नहीं करते, ये बहुत मतलब गलत गल आ, क्योंकि बहुत मेहनत दे नाल वीडियो बनती है, कोई भी आ मतलब एडिट करनी पैंदी वीडियो, बहुत काम करने पैंदे, समय चो समा कढ़ना पैंदा, जरूरी टाइम चो टाइम कढ़ के वीडियो तैयार करनी पैंदी है। सो इस करके कोशिश करया करो भी वीडियो शेयर लाइक ते सबसक्राइब कर लिया करो। सो गल करते हैं आपां एज जो है मिनीम 18 मैक्सीम 25 साल है। हुण इहदे विच भी एक चीज़ होर रिलैक्सेशन, एस सी वास्ते एंड ओ बी सी वास्ते ये चीज़ बहुत वधिया, उन्होंने एस सी 5 साल का रिलैक्सेशन, ओ बी सी 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है जी।
पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल नालों भी पेपर बिल्कुल सेम लेवल का पेपर होगा, बिल्कुल सेम लेवल का। ठीक है जी, अगे आप गल करते हैं, प्लस टू बेस से ही पेपर है, कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं गी किस तरह की भी कोई प्रॉब्लम आ, कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी। देख लो आ, देखो प्लस टू बेस से पेपर है, बिल्कुल प्लस टू बेस से पेपर आ, कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं गी, प्लस टू बेस से पेपर आ। ठीक है, तो कोशिश करो भी जो भी करो बड़े वधिया पूरे ध्यान ना तनो मनो, तुसी दो महीने भी तैयारी कर लेना, अक्तूबर अक्तूबर महीना अक्तूबर ते नवंबर, अक्तूबर ते नवंबर मैं कहना थोनू कोई बंदा पेपर कटन तो रोक नहीं सकता, जे तुसी पूरा सीरियस कैंडिडेट है गया था। पेपर कट तो सैलरी बहुत वधिया, बहुत वधिया सैलरी है, मतलब सेंटर दे अंडर अटैच करके नहीं, सैलरी बहुत वधिया। इधर देख लो, और एक चीज़ मैं तुम्हें दसनी चाहना, मेल दी है 4453 पोस्टा। ठीक है जी, एक्स सर्विसमैन वास्ते, एक्स सर्विसमैन आ जिहड़े उन्हां वास्ते बहुत वधिया ओपरचुनिटी है, 266 पोस्टा। ठीक है जी, एक्स सर्विसमैन अदरस वास्ते तो 266, एक्स सर्विसमैन मेल कैंडीडेट्स वास्ते की है 337, मतलब टोटल कर लो ना इन्हां चीज़ों का। अदर दे विच की हुंदा, अदर दे विच मतलब है दोनों मेल है भी, आ भी वेखो भी मेल है भी मेल। ठीक है, एक्स सर्विसमैन दे अदर दे विच क्वेश्चन दिल्ली पुलिस दे मतलब जिहड़े पुराना कोई हुंदा सिस्टम, इन्हां दे भी कोटा रख्या हुंदा जां जो भी। ठीक है, तो वह भी आउणगे, पर एक्स सर्विसमैन तो असल च आर्मी रिटायर परसन ही हुंदे आ। ठीक है जी, सो ये दोनों तुसीं इक्वल कर लो, प्लस ये तुहाडे वास्ते ही है दोनों पोस्टां। ठीक है, तो फिर की है एग्जीक्यूटिव फीमेल, फीमेल वास्ते लेडीज़ वास्ते गर्ल वास्ते 2496 पोस्टा, तुसी सपोज नहीं कर सकते, आपां नूं तां इक ही चाहिए है ना, आपां नूं तां इक ही पोस्ट चाहिए है। सो इस करके कोशिश करो, मेहनत करो, बस वध तो वध मेहनत तो बिना कम गलत हो जूगा, फिर मेहनत तो करनी ही पवेगी। ठीक है जी, सो बस अप्लाई करो जल्दी तो जल्दी, तो चैनल सबसक्राइब कर दो, शेयर कराया करो अगे तो अगे। ठीक है जी, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। ठीक है जी, तो एज जी काउंट होगी 2/7/1998 तो काउंट होगी। ठीक है जी, ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लीयर दैन, भी इस तो पहला ना जन्म हो, पर ए एस सी एस टी के कैंडिडेट तो ओ बी सी के कैंडिडेट दे नहीं आ, उन्हों का जन्म जरा मान लो मैं तुम दसदा, उन्होंने जन्म मान लो 98 चो माइनस कर लो 5, 93 वाला चल जूगा 1993, जिदा 93 च जन्म होया वह बंदा फार्म भर सकता। ठीक है, ओके, एंड ओबीसी दे, ओबीसी दे वास्ते माइनस कर लो 3/95/1995, जेड़े ओबीसी दा जन्म हुए 1995 दे विच। ठीक है, उन्हां दा मतलब आ काउंट कर माइनस कर लो जिन्हें इहदे जॉब दी डेट ऑफ बर्थ, जे थोड़ी उम्र 25-28 साल दे विच विच बन रही है। ठीक है, जे थोड़ी उम्र 28 साल दे विच विच बन रही है, मतलब 27 साल 11 महीने 29 दिन जे थोड़ी एज हैगी आ, तो तुसीं क्वालीफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके, सो टेंशन नहीं लैनी किस तरह की, पेपर की तैयारी करो दब के, बस कुछ नहीं गा। हुण मैं सिलेबस तुहानूं दिखाउणा, बहुत वधिया सिलेबस आ, सिलेबस की तैयारी करो, बस कुछ भी नहीं हैगा, कुछ भी नहीं गा, तुसीं मेहनत करो, बस मेहनत करना सब कुछ हो जाता। ठीक है, ओके, हुण आपां सिलेबस की गल करते हैं, सिलेबस की गल करते हैं आपां, एक मिनट, सिलेबस की गल करते हैं आप, वन मिनट मैं इरेज कर लें, तो पता नहीं किस हिसाब नाल मैं नवा ही कंप्यूटर के उपर शुरू किया, तो ये ना मैं थोड़ा हजे आ नहीं रहा तरीका इन यूज़ करने का, कोई गल नहीं, हौली हौली यूज टू हो जाएंगे, पंजाबी हाँ, कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं। सो आप सिलेबस की गल करते हैं सज्जनों, सिलेबस आ गया जी, सिलेबस आ गया, वन मिनट स्क्रोल कर दो। अच्छा, इधर देखो रीजनिंग जी के करंट अफेयर उ चीज़ आ, न्यूमेरिकल एबिलिटी उ मैथ आ, उ कंप्यूटर। मैं हैरान मानता भी यार, मतलब जे मेहनत करो ना पेपर निकलता है आराम ना निकलता, बड़ा नहीं मैं पंजाब दे विच मेरे जितने मेरा आइडिया कहता भी 2000 तो
1500 पोस्ट पंजाब क्लीयर करके, क्योंकि बहुत मेहनती मुंडे कुड़ियाँ बैठे इतने, बहुत मेहनती, जिन्हों लोड़ है ना वो बंदा मेहनत फुल करूँगा, कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं, ठीक है ना। सो इस करके ना मेहनत करो। मैं थोड़ा हूँ डिटेल सिलेबस में लैके चलता भी ये अंदर की है, रीजनिंग जीके अंदर की है, ठीक है, कॉन्स्टेबल, ठीक है। आप हूँ अंदर अंदर चलते हैं, देखो अच्छा, देखो जनरल नॉलेज करंट अफेयर क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड टू टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन विल बी डिजाइंड टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। अपन पता ही है रीजनिंग जनरल की होंगे, स्टैटिक आऊगा सारा, जीके सारा स्टैटिक आऊगा, स्टैटिक मीनस जिमें राजधानिया, ठीक है, राजधानिया, गवर्नर, प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, सेंटर की कैबिनेट, राज्य की कैबिनेट, ठीक है, दे मैंबर, क्योंकि ये सेंटर लेवल SSC लै रही है ना, थोड़ा पता SSC तो एवं लगेगी, जिन्हें भी नाच आ, गाने आ, डांस आ, फोक, क्लासीकल, सारा कुछ, ठीक है, उस दे अकॉर्डिंग ही सारा कुछ होगा। ओके, तो फिर की आ अगे आप चलते हैं रीजनिंग, रीजनिंग की है, रीजनिंग भी थोड़ा दसिया उन्होंने की आ, नॉन वर्बल टाइप दिस एनालॉगीज आ गया, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसिस, स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन, रीविजुअलाइजेशन, CCC वाला ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन, कॉन्सेप्ट, अर्थमैटिक, अर्थमैटिक, ठीक है, अर्थमैटिकल भी आती है अजकल, रीजन थोड़ा मैथ का होंगे, अर्थमैटिक, नंबर सीरीज, आ गई, नॉन वर्बल सीरीज, मतलब वो फोटो टैप हों, ठीक है, ये गल नहीं कर लिखी नहीं जाती कोई भी चीज़, वो फोटो टैप हों भी ये जैमें कोडिंग डिकोडिंग तुम्हें पता ही है, बिल्कुल हू बहू पंजाब के पेपर वर्गा ही पेपर आ, ठीक है, बिल्कुल हू बहू, कोई फर्क नहीं 1% भी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी तुम्हें पता ही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो ही चीज़ें आई हैं, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल, अर्थमैटिक, वही चीज़ है, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, मैंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ठीक है। सो बहुत ही वधिया पेपर है, तुसी पेपर मिनटा च काट सकते हैं जेकर तुसी मेहनत करो। तो मैं ये चीज़ ना भी अपने पंजाब दे विच बेरोजगारी ना हो, पंजाब च की कितने बेरोजगारी, जो बंदा मेहनत करता ना भी उस बंदे नूं मिलनी चाहिए जरूर जॉब। इस करके मैं चाहना तुसी मेहनत करो, कोई भी बंदा जे मेरी वीडियो देख रहा तो उस बंदे नूं मेहनत करनी चाहिए। कंप्यूटर फंडामेंटल्स कंप्यूटर दा होगा, ठीक है, हुण आपां इहदा ना थोड़ा जिहा देखदे हां अगे जाके वी इहदा की मतलब वेटेज की है, वेटेज बारे इस मतलब फॉरमेट दे विच नहीं दस्सिया है, ठीक है। सो आपां वेटेज बारे इस फॉरमेट दे विच नहीं दस्सिया है, कोई गल नहीं, मैं अलग तो एक वीडियो बना दूंगा वेटेज वाली। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल जरूर शेयर करो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है। मैं आपका समय चो समा, मैं खुद भी मतलब कोशिश करता ना भी समय चो समा कट के जरूर जानकारी देवा। हाँ, जो तुम्हें लगता भी चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए कर लो, जे नहीं लगता नहीं करना चाहिए तो देख लो, ठीक है, क्योंकि जेन्युइन जानकारी होंगी, कोई झूठ तूफान अपने को नहीं होंगे, ठीक है। ओके, शुक्रिया जी।